हाय फ्रेंड्स, मॉर्निंग पे थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं। मेरी बर्ड्स हैं, मेरे डॉग्स हैं, और ऊपर से फिर मॉर्निंग वॉक के लिए मुझे जाना पड़ता है। तो चलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। बर्ड्स को सुबह देखना बहुत मज़ेदार लगता है। ये अक्सर जोड़े में बैठे रहती हैं और देखने के बाद में ना इनकी ना जो चहचहाट है वो और भी बढ़ जाती है। देख कर ना एकदम एक्टिव हो जाती है और आवाज़ तक पूरे में गूंजती है। सुबह सुबह एकदम कोई नहीं रहता तो और ज़्यादा आवाज़ होती है। I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth, you choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip. हमारा मेन गेट का गार्डन भी बहुत अच्छा हो रहा है। कड़ी पत्ता और हिबिस्किस और फाइकस बहुत अच्छे हो रहे हैं, एकदम ग्रीन रहते हैं और बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती क्योंकि काफ़ी पहले लगाए थे। और मधु बाल्टी की बेल की इसमें तो बहुत ही बढ़िया फूल आ रहे हैं और हल्की हल्की खुशबू भी आ रही है। वॉक में जब मैं इस पॉन्ड के पास पहुंचता हूं, मैं ये जो वाइट डक्स को देखता हूं, ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। ये डक्स अक्सर यहां पे मॉर्निंग में दिखती हैं और अपने पूरे फैमिली के साथ घूमती रहती हैं। We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. वॉक से वापस आने के बाद मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता तोड़ता हूँ और मैं अपने बर्ड्स को देता हूँ। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, ये तो बर्ड्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. The end of the song, next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need. ये इस तरह बैठे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। आपस में ये बैठते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे को प्यार जताते हैं और कलरफुल रहते हैं। और बीच बीच में आके ना ये सारे पत्ते खा जाएंगे। आज मैं आपको दूसरी साइड का गार्डन दिखाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bit. ये हमने एक बोगनवेलिया का पेड़ लगाया हुआ है और बेल कह सकते हैं, और ये बहुत अच्छी चल रही है। अभी इसने फर्स्ट फ्लोर कवर कर लिया है। I need a change in my life cuz I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. हमने एक अमरूद का पेड़ भी लगाया हुआ है, इसमें ये हाइब्रिड है, इसमें बहुत सारे अमरूद आ रहे हैं। कम से कम ये एक साल पुराना पेड़ है और कम से कम 30-40 जैसे हमने मेन गेट के ऊपर मधुमालती की बेल लगाई हुई है जो बहुत बड़ी हुई है, उसी तरह से हमने यहाँ पे भी एक बेल लगाई है। बिल्कुल इनिशियल स्टेज में अभी बढ़नी शुरू हुई है और विद इन ए वीक ये कम से कम 4-5 feet की हो गई है। चलिए आप छत पे चलते हैं, देखिए कबूतर आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। जो हम लोग सुबह दाना डालते हैं तो ये आ जाते हैं और पूरे छत पे बैठे रहते हैं। वहाँ पे हमने पानी भी रखा हुआ है और ये हमारे यहाँ पे एक वाटर टैंक है सोसाइटी का, तो इसके ऊपर सारे बैठे रहते हैं। मैं जूम करके देखता हूँ, आपको शायद दिखाई दे जाए। अगर हम छत के ऊपर चढ़ेंगे तो कबूतर उड़ जाएंगे, इसलिए मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जितने भी आते हैं सब नीचे बैठ के आराम से दाना खाते हैं, वहाँ पे पानी भी रखा हुआ है। नीचे हमने थोड़ा सा बैठने की जगह बनाई है, वहाँ पे हमने तीन हैंगिंग्स रखे हुए हैं। तीनों मनी प्लांट्स हैं लेकिन अलग अलग कलर्स के हैं। एक ग्रीन है, एक एकदम येलो है और एक ग्रीन एंड येलो है। बीच में बंदरों ने इसका एक मनी प्लांट को थोड़ा सा डैमेज किया था, लेकिन ठीक है, चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। और कुछ प्लांट्स हैं, अब देखते हैं अंदर क्या हो रहा है।
मेरी सबसे प्यारी बच्ची है, ये ना जब भी मैं आता हूँ ना ये ना हमेशा आराम से अपने बेड पे बैठी हुई होती है और इससे ना प्यार करना बहुत पसंद है। इसको ना आता हूँ उसके गाल खींचता हूँ, उसको उसकी थोड़ी सी मालिश ऐसी करता हूँ, फिर ये एनर्जाइज हो जाती है और फिर ये पागल मुझे दौड़ती है मेरे पीछे, तो मुझे आके ना इसको प्यार करना बहुत अच्छा लगता है। किसी को प्यार करो तो ये लियो अपने आप छूने शुरू। मेरी क्यूट दोनों बच्चियाँ आराम से अपने ये की बॉम का खाना खा रही है, उनके इतना अच्छा लगता है देखने में। दोनों का ना मुँह इतना बड़ा हो गया है कि ना हार्डली दोनों का मुँह आ पाता है, लेकिन ना इतने आराम से खाती है ना, कभी किसी ने किसी के ऊपर आज तक ग्राउलिंग नहीं की होगी, कुछ नहीं, एक एक करके दोनों आराम से खा लेती हैं। मेरा कई बार मन हुआ कि इनको अलग अलग कर दूँ, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं करता अलग करने का, मैं इसी में खिलाता हूँ। ये मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस है और इनके लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस है सोशलाइजेशन। डेजी भी खाना खाने, लियो को सबसे पहले खाना मिलता है तो ये सबसे पहले ख़त्म कर लेता है, मैं छोड़ा और ये अपना खाना नहीं छोड़ता, और इसकी वजह से इसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। खाने तो सभी खाते हैं शौक से, क्योंकि हम लोग खाने का जिस तरह से इंतजाम रखते हैं कि ये खाना खाए हेल्दी रहे और उनको भूख लगती रहे। तो नीचे आ गए हैं और मैं आपको ना आज एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताना चाहता हूँ जो बहुत यूज़फुल है खासकर डॉग्स के अंदर। इसका नाम है नक्स वोमिका, ह्यूमंस के अंदर भी बहुत यूज़फुल है। डॉग को अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो और पॉटी सही ना आ रही हो, वोमिटिंग हो रही हो, तो इस तरह के केसेस में ना नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए डॉग ओनर्स को नक्स वोमिका हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। इवनिंग का टाइम हो गया है, अभी इनको खाने पीने का टाइम है, चलिए चलते हैं। और लाइट चला दी है मैंने इनकी और ये वेट कर रहे हैं खाने के लिए, कितने क्या कर रहे हैं। जितना भी सूरज चलते रहते हैं तो ये आराम से सोते रहते हैं और घूमने फिरने को शाम को उनको मिलता है कुछ, जब मौसम थोड़ा अच्छा हो जाता है और इनको खाना देते हैं और आज शाम को हम लोग वाइंड अप करते हैं। वो भी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा कि वॉचिंग, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।